जय हिंद साथियों, मैं लोकेंद्र सिंह चौहान जो करियर डिफेंस एकेडमी का संचालक जो आज पहुंच चुका हूं प्रशांति स्टूडेंट कॉलेज में, जो कि आर्मी अग्निवीर का पेपर आज से 17 तारीख से स्टार्ट है, जो कि बच्चे अभी छूटने वाले हैं 10 बजे और बच्चे से अपन मिलेंगे कि किस हिसाब से पेपर आ रहा है, कौन सा लेवल से पूछा जा रहा है, क्योंकि आर्मी अग्निवीर ऑनलाइन एग्जाम फर्स्ट बार हो रही है, उसके बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेन सिंह है। कहाँ से हो? मैं मंदसौर जिले से हूँ। कैसा गया पेपर? पेपर बहुत अच्छा गया सर, मतलब फिजिक्स बहुत हार्ड थी, मतलब साइंस में बहुत हार्ड था। अच्छा। मतलब चरा के पूछ रहे थे, मतलब साइंस से कोई क्वेश्चन हार्ड गए हो? जीके के तो अच्छे गए, जीके में यही करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन थे, जैसे उदाहरण ये नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है, ने ये केंद्रीय गृह मंत्री कौन है वर्तमान में, तो अमित शाह है, और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल है वर्तमान में, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, और इसके अलावा वो सिंधु घाटी सभ्यता से ले रहा था, एक धोलावीरा कौन से राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है, ने मंगल पांडे ने कौन सा विद्रोह किया था, सैनिक विद्रोह किया था 1857 की क्रांति में, ने इससे और मतलब भूगोल से आया था कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, गंगा नदी सहायक है यमुना की, और इसके अलावा मतलब फिर ये स्टैटिक जीके दे रखा था, कौन सा यार, नीरज चोपड़ा भी हो गया ना, फिर साइंस में थे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, बिच्छू वो चीटियों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, इसके अलावा अपनी अपनी जैसी आकृति कौन सा दर्पण प्रदर्शित करता है, तो समतल दर्पण प्रदर्शित करता है अपनी जैसी, और था जीके में मतलब साइंस में मतलब ये साइंस और मतलब ये अग्नाशय की मतलब दाईं तरफ कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो अग्नाशय पाई जाती है। अच्छा, हाँ, इसके अलावा जैसे मैथ्स का कौन सा लेवल से आया था? मैथ्स का तो औसत से ज्यादा, 4-5 क्वेश्चन से औसत से, पांच क्वेश्चन बैठ रहे, 4-5 क्वेश्चन औसत से थे। अच्छा, साधारण व्यास से एक क्वेश्चन था और चक्रवर्ती बाद ये नहीं थे, और इसके अलावा मतलब ने ये रीजनिंग में तो ये नंबर सिस्टम था। अच्छा, हाँ, रीजनिंग में नंबर सिस्टम, रीजनिंग में एक ही क्वेश्चन, वो दो नहीं तो तीनों क्वेश्चन वो नंबर सिस्टम के थे खाली। हाँ, ये भिन्न और सरलीकरण रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन नहीं, एक भी नहीं थे, खाली एक था वो दूरी परिवर्तन करनी थी 6 किलोमीटर में, दूरी पर तो 5 की दर से दूरी परिवर्तन करनी थी, वो क्वेश्चन था वो। कितने दिन की तैयारी आपकी? मेरे तो सर मैं रेलवे की तैयारी करता हूँ। अच्छा, रेलवे की तैयारी कर, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करता हूँ। रिटर्न निकल जाएगा, जाओगे आर्मी में? हाँ, रिटर्न जाएंगे, बस मेडिकल में निकाल देंगे यार, मेडिकल एनपी थे, मेडिकल पेपर देने आया था मैं, पेपर का कैसा लेवल होता है, लेवल देखने आया था मैं, एग्जाम दो तो अनुभव होता है मतलब सर, हाँ एग्जाम देनी चाहिए। अच्छा, कितने दिन की तैयारी आपकी? मतलब 6-7 महीने हो गए मंदसौर रह के तैयारी कर रहा हूँ। मंदसौर रह के आप तैयारी कर रहे हो? 7 महीने हो गए। कहाँ से हो? खाटसूर। अच्छा, आज ही पेपर था आपका? यस। अच्छा, कैसा गया पेपर? बहुत बढ़िया गया सर। अच्छा, नंबर बता रहे पेपर में? पेपर में नंबर बता रहे हैं ना, कितने नंबर आए जैसे बता रहे कि नहीं? नहीं नहीं, ये नहीं बता रहे। अच्छा, किस टाइप से पैटर्न से पेपर आ रहा है, जो अपन पहले आता था जैसे 15-15 नंबर का 3 सेक्शन बांटते थे प्लस 5 नंबर का? हाँ, वही पैटर्न। अच्छा, जीके के क्वेश्चन कितने आए थे लगभग? 15, मतलब क्या पूछ रहे हैं आप? जीके के क्वेश्चन कितने आए थे? 15 ही आए थे ना? हाँ, 15। अच्छा अच्छा अच्छा, लेवल कोई पता आपको कि कौन सा टॉपिक से पूछे गए जीके के क्वेश्चन? सर नॉर्मल था लेवल। अच्छा, नॉर्मल था। और साइंस का? साइंस का सर उसका नहीं बता सकते वैसे, यहाँ पर क्वेश्चन सरल। अच्छा, टाइम कितना दिया गया आपको? 1 घंटा। एक घंटा बराबर। अच्छा, अंदर का जो स्टाफ है वो बता रहे आपको जानकारी के हिसाब से कर रहे हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसने कंप्यूटर नहीं चलाया उसको भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा, कितने बजे आपकी एंट्री हुई थी? सर 7 बजे से गेट ओपन हो गए थे। अच्छा, तो 8 बजे तक फिर पेपर 8-9 बजे स्टार्ट हुआ होगा? नहीं सर, 8:30। 8:30 से 9:30। हाँ सर। अच्छा अच्छा, और मैथ्स से कोई क्वेश्चन याद है कहाँ से पूछे गए? जरा सर नॉर्मली थे, परसेंटेज के थे और दशमलव के थे, दशमलव के 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा अच्छा, कोई भिन्न और सरलीकरण से क्वेश्चन आए थे? हाँ नहीं, सरलीकरण से नहीं आए थे। अच्छा, टाइम कम तो नहीं पड़ा आपको? नहीं सर, कोई कम नहीं पड़ा, प्रॉपर हो गया था। अच्छा अच्छा, मैथ्स में थोड़ा सोल्व करने में टाइम लग जाता है, बाकी तो। अच्छा अच्छा अच्छा, और कुछ जीके के क्वेश्चन याद है आपको? याद है सर, 2 करंट के थे और बाकी पुराने ही थे बहुत सर। अच्छा, रीजनिंग पूछी गई है? रीजनिंग आसान थी। तो रीजनिंग भी आया और करंट जीके भी आया, दोनों आया है? हाँ लगभग। हाँ, अच्छा, जो बच्चे आने वाले हैं जैसे डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको मांगे अंदर एंट्री करने के लिए? सर 2 एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए सर। अच्छा, एडमिट कार्ड की, और इसके अलावा? और ओरिजिनल आधार कार्ड। ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कुछ भी चलेगी। अच्छा अच्छा, और होना चाहिए।
अच्छा कुछ फिंगरप्रिंट ले रहे हैं? हाँ, वेरिफिकेशन कर रहे हैं ना सर। वेरिफिकेशन कर रहे हैं फिंगरप्रिंट फेस का। अच्छा, स्टाफ कोई डिफेंस ही है कि ओनली यहाँ का स्टाफ ही? सर डिफेंस है एक शायद एनएस कुछ करके, हाँ ऐसा कुछ है। अच्छा आर्मी वाला कोई? हाँ, है आर्मी के हैं। अच्छा अच्छा ठीक ठीक धन्यवाद आपका। हो चिपरा खेड़ा। अच्छा कैसा गया पेपर आज? ठीक रहा सर एकदम। अच्छा कैसा आया था लेवल पेपर का? लेवल पेपर का 8th से 10th के बीच में बेस था पूरा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं थी। फर्स्ट बार आर्मी की एग्जाम दिया आपने? हाँ फर्स्ट टाइम। इसके पहले कभी भर्ती थी आर्मी की? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम भर्ती थी। यस। अच्छा जीके का क्वेश्चन कहाँ से आया कोई बताओगे? जीके का क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन सर की जैसे पदार्थ वगैरह इनके सब मिश्रण। अच्छा जनरल नॉलेज अपना कि राष्ट्रपति कब क्या हुआ था ऐसे कुछ। अच्छा अच्छा। और मैथ्स का लेवल कहाँ से था क्वेश्चन के किस हिसाब से आ रहे? ये 10th के बेस से ही है टोटल। हाँ 10th बेस। जब जैसे अपन बात करते हैं कि पहले पैटर्न आता था 15 नंबर का जीके आता था, 15 नंबर का साइंस 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन मैथ्स का, 15 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते, उसी हिसाब से यही है ये। ठीक। अच्छा अच्छा। और अब बताओगे जैसे कि अंदर का जो बैठाने का तरीका है एंट्री का हिसाब से कितने बजे से होता है? वो तो अपने टाइम इसके हिसाब से होता है। कितने बजे से एंट्री आती है? हमारी तो 8:30 बजे पेपर चालू हुआ था, 9:30 बजे खत्म हो गया। अच्छा, साढ़े टाइम कम तो नहीं पड़ रहा है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा। उसके बाद जैसे आप क्वेश्चन बताओगे कि मैक्स के कहाँ से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन? जैसे ऐसे नॉर्मली ब्याज वगैरह के पूछे जा रहे हैं। अच्छा। क्षेत्रफल के पूछे जा रहे हैं, घन घनाव इनके। उसके बाद में जैसे कि पहले ऑफलाइन एग्जाम होती थी, अब ऑनलाइन होती, तो मतलब क्या आपको क्या लगता है अच्छा है ऑनलाइन की ऑफलाइन अच्छी थी? मैंने पहले कभी दी नहीं सर ऑनलाइन ऑफलाइन, पहली बार ऑनलाइन दे रहा हूँ। हाँ ठीक है। कहाँ से हो? प्रेरित दिल्ली सर, नीमच जिले से। नीमच जिले से। हाँ। कैसा गया पेपर? बहुत बढ़िया सर। कितने क्वेश्चन करे आपने? सर 45 क्वेश्चन किए। 45 करेक्ट सही है? सर करेक्ट तो सही नहीं हो सकते। अच्छा अच्छा। कैसा क्या रहा आज का लेवल आपका पेपर का? बहुत बढ़िया था सर। अच्छा फर्स्ट बार दी एग्जाम के पहले दिए इसके अलावा? नहीं सर फर्स्ट बार थी। अच्छा फर्स्ट बार थी। हाँ सर। अच्छा उसके बारे में कुछ क्वेश्चन याद है आपको कि ये क्वेश्चन जीके जीएस मैक्स किसी का भी? हाँ सर वो कैबिनेट मंत्री वाला था जीके का 2023 में। अच्छा साइंस का लेवल कैसा क्या है? बढ़िया है सर। और सर साधारण ब्याज वाला था। अच्छा करंट जी क्या आ रहा है? क्या करंट जी क्या है सर? करंट वो भी क्या है हमने पूरी तैयारी नहीं की थी वैसे। उसके बाद जैसे आप देखो कि ये अपना रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? रीजनिंग के क्वेश्चन 5 आ रहे सर। ठीक रीजनिंग के क्वेश्चन सर बहुत बढ़िया आ रहे हैं वैसे। अच्छा अच्छा ठीक धन्यवाद आपका। सारा हो गया? बहुत मजेदार रिव्यू है यहाँ तो, कुछ संघर्ष नहीं है। तो चल रहा है क्या आपका भाई? हाँ नहीं वो आप सफल वो न्यूज का बनवा लिया नहीं? अच्छा हाँ। इसमें क्या इतना आसान है कि बच्चा खुद ही चल के आ जाता है? हाँ, हाँ। साल में तो आ भैया दो के भैया चिपरा खेड़ा। अच्छा कैसा गया पेपर आज? ठीक रहा सर एकदम। अच्छा कैसा आया था लेवल पेपर का? लेवल पेपर का 8th से 10th के बीच में बेस था पूरा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, फर्स्ट बार आर्मी की एग्जाम दी आपने? हाँ फर्स्ट टाइम। इसके पहले कभी भर्ती थी आर्मी की? फर्स्ट टाइम है सर। फर्स्ट टाइम भर्ती थी। यस। अच्छा जीके का क्वेश्चन कहाँ से आया कोई बताओगे? जीके का क्वेश्चन नॉर्मली क्वेश्चन सर की जैसे पदार्थ वगैरह इनके सब मिश्रण। अच्छा जनरल नॉलेज अपना की राष्ट्रपति कब क्या हुआ था ऐसे कुछ। अच्छा अच्छा। और मैथ्स का लेवल कहाँ से था क्वेश्चन के किस हिसाब से आ रहे? ये 10th के बेस से ही है टोटल। हाँ 10th बेस। जब जैसे अपन बात करते हैं कि पहले पैटर्न आता था 15 नंबर का जीके आता था, 15 नंबर का साइंस 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन मैथ्स का, 15 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते, उसी हिसाब से यही है। ठीक। अच्छा अच्छा। और अब बताओगे जैसे कि अंदर का जो बैठाने का तरीका है एंट्री का हिसाब से कितने बजे से होता है?
वो तो अपने ये इसके हिसाब से होता है। कितने बजे से एंट्री आती है? हमारी तो 8:30 बजे पेपर चालू हुआ था, 9:30 बजे खत्म हो गया। टाइम कम तो नहीं पड़ रहा है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद जैसे आप क्वेश्चन बताओगे कि मैक्स के कहाँ से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन? जैसे ऐसे नॉर्मली ब्याज वगैरह के पूछे जा रहे हैं, क्षेत्रफल के पूछे जा रहे हैं, घन घनाव इनके। उसके बाद में जैसे कि पहले ऑफलाइन एग्जाम होती थी, अब ऑनलाइन होती है, तो मतलब क्या आपको क्या लगता है, अच्छा है ऑनलाइन की ऑफलाइन अच्छी थी? मैंने पहले कभी दी नहीं सर ऑनलाइन ऑफलाइन, पहली बार ऑनलाइन दे रहा हूँ। ठीक है, जय हिंद।